मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे मुझे ऐसा लगता है। और आज मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं तो आपको बताएंगे बाद में कहाँ जा रहे हैं। वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए हमारे वीडियो पे बने रहे और हमारे वीडियो पूरा देखिए। बाय फ्रेंड्स, अभी मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ हम तीनों। और कितने हवा चल रहे हैं देखो, कितने हेयर उड़ रहे हैं। और अभी आधे घंटे लगेंगे हमें स्टेशन पहुँचने में, बीकानेर स्टेशन। और हमें मम्मी के लिए दवा भी लेना है कि मम्मी की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो नाल से नहीं मिल पाया हमें, तो बीकानेर से हम लेंगे दवा मम्मी के लिए। तो ये अभी रास्ते में हम मेडिकल ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिल जाए तो ले लें, पर अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। देखते हैं आगे चल के कि शायद कुछ मिल जाए। और अभी चलते हैं, देखते हैं मिल जाए तो। कहीं तो मिल नहीं रहा है। अभी ये मेडिकल शॉप मिल गया है मुझे और ये गए हैं दवा लाने के लिए मेडिकल से। तो देखते कितने देर लगता है इनके आने में। तो गाइस गाड़ी अब खुलने वाला है, मम्मी चिल्ला रही है नहीं जाने के लिए, डर रही है। दीक्षु कुछ कह रही है, क्या कह रही है दीक्षु आप? कुछ नहीं, मेरे को अफसोस लग रहा है कि मैं जन्माष्टमी नहीं कर पाई। हमको भी बहुत अफसोस लग रहा है कि तुम जन्माष्टमी नहीं कर पाई। और कला है, और ये मेरी मम्मी है जो लाली जी से बात कर रही है, ये हमारा सीट है। गाइस अभी स्टेशन से ट्रेन खुल चुकी है, तो श्री गणेशाय नमः हमें सेफली और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। सब लोग बिल्कुल सेफली जाए, बस यही भगवान से प्रे है। और ये देखिए ट्रेन हमारे धीरे 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 बीकानेर स्टेशन से निकल रही है, और जैसे जैसे निकल रही है एक्साइटेड बढ़ते जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं मतलब कुछ दिन के लिए थोड़ा दूर, मतलब बीकानेर से थोड़ा दूर जा रही हूँ। तो आपको कुछ बोलना है हस्बैंड जी? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारा जो जर्नी होगा ना, इस जर्नी को हम आपको बहुत अच्छे से दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारा मील आ चुका है, लंच हमारा आ चुका है IRCTC की तरफ से। और ये मैं पेटू की तरह खा रहा हूँ, अब दीक्षा बताएगी आप। ये खा रहे हैं क्योंकि मैं मतलब खाना आ चुका था, तो इतने भूख लगी थी कि डायरेक्ट खाना स्टार्ट करते, फिर याद आया सडनली कि चलो वीडियो बना लेते हैं। तो ये मिक्स वेज थी, उसमें पनीर भी डाल दिया था ऊपर से, कच्चा पनीर, तो बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं लगा। गुड़गांव स्टेशन पार हो गया, तो अभी हम लोग दिल्ली के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ से दूर है प्रिया का घर में, रूम में, तो प्रिया को बोल के आ जाओ स्टेशन पर, ट्रेन रुकेगी, रुकती नहीं है गुड़गांव में, यही तो दिक्कत है ना। कौन सा दिल्ली आएगा? दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली कैंट, न्यू दिल्ली, अरे इतना सारा दिल्ली का स्टेशन आएगा, पता ही नहीं चल पाता। बहुत अच्छा व्यू आ रहा बाहर का। न्यू वीडियो आया है, हाँ हाँ, यूं टांग टांग करके
एकदम कंजूसी नहीं कर रही है एकदम। बटर लगाना है तो कोई इससे सीखे, मक्खन बहुत तगड़ा लगाती है इसे, हमेशा मक्खन लगाते रहती है हमको। कुछ भी चाहिए होता है तो उससे पहले मक्खन लगाएंगे, जब कुछ चाहना, जब कुछ नहीं चाहिए होता है और कुछ डालो। नहीं नहीं ऐसे खा लिया, एक डाल के मैं बताऊँ, एक डालो उसके बाद सुनो ना, एक डालो कटलेट, उसको टमाटर डालो, एक नंबर लगेगा मेरा हिस्सा सुनो, एक कटलेट डालो, देखो गाइस सब कुछ सिखाना पड़ता है इस बच्चे को, तो आप बताइए कुछ अक्रम उक्रम हम भी यही खाए थे अंडा वाला, तो बताइए अपने व्यूअर्स को सुबह के 10:30 बजे आप सो के उठ रहे हैं, 10:30 बजे तो कितने में जिसने दिया था, देखिए कितना टाइम हो रहा है, 9:45 11 बजे 15 मिनट बचा हुआ, टाइम भी नहीं देखा, टाइम आपको देखने नहीं आता, देखिए कितना बजे तक, 11:15 बाकी है, तो ये सच बताइए, ये रेलवे के द्वारा खाना दिया गया है, क्या क्या दिया गया है देखिए, ट्रेन का पटरी नहीं अपनी जिंदगी, चलिए देखिए बहुत अच्छा लगा कि सरकार यहाँ सहायता कर रही है लोगों को, मतलब उठा के फेंक दे रही है, सोचिए एवं फिर भी कितना, मतलब सब लोग साथ में मिलकर बैठे हुए हैं, कितना एक कितना डिफरेंस है हमारे मतलब समाज में, एक तरफ देखिए इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, फोन पे नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको बहुत अच्छी, तो गाइस मेरा भी एक फीलिंग है कि क्यों ना इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को भी हम झोपड़ी पट्टी से मॉम, क्या आप कोलकाता जाने के लिए एक्साइटेड हैं? तो ये देखिए गाइस, ये हम लोग का मॉर्निंग टी था मम्मी के लिए जो मैंने बनाया था, और मौसम बहुत ही सुहाना है फ्रेंड्स, अभी हम कोलकाता एंटर कर चुके हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये कोलकाता का गंगा नदी है, इसको भी आप प्रणाम करिए, इनसे भी आप कुछ विश मांग सकते हैं, बहुत जल्दी पूरी होती है, और ये देखिए गंगा नदी को जैसे पार कर रहे हैं वैसे आपको मिलेगी दक्षिणेश्वरी मंदिर, ये जो आपको दिख रहा है ये दक्षिणेश्वरी मंदिर, ये माँ काली का बहुत ही भाग्यशाली मंदिर है, आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप इसे फ़ोन पे दर्शन कर पा रहे हैं, ज़रूर कुछ अपनी मनोकामना मांगेंगे, और ये माँ काली का हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आपको ये दिखा पा रहे हैं और ये बहुत ही मतलब दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने और आते हैं, कहावत है ना जय माँ काली कलकत्ते वाली, वही है ये माँ काली, हाँ यहाँ पे बहुत अच्छे काली पूजा बहुत अच्छा मनाया जाता है, मैं तो कभी देख ही नहीं पर जरूर देखूंगी, मुझे अभी हम सियालदह स्टेशन पहुँच चुके हैं, ये सियालदह स्टेशन है और हमने कूली किया सामान के लिए क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और लेके बहुत दूर चलना पड़ता, बहुत लंबा चलना पड़ता, हम बहुत पीछे उतरे थे तो इतना लेके चलना अभी पॉसिबल नहीं है ट्रैवलिंग करके उतर के, इसलिए हमने कूली लिया और इनसे थोड़ा बार्गेनिंग कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डिमांड कर लेते हैं, तो थोड़ा बार्गेनिंग करने का 500 रुपये मांग रहे थे, फिर हमने लास्ट में 100 रुपये में देखे गए, सोचिए 500 तुरंत 100 रुपये में फिर इनको मतलब मान गई है 100 रुपये में, और ये हम टैक्सी प्रीपेड में आए थे तो यहाँ हमें ओला कर लिया हमने, तो अब हम ओला में बैठ के यहाँ से जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी अब हम घर पहुँचने वाले हैं, विथ इन 40 मिनट हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे, और ये सियालदह स्टेशन है गाइस, पीछे देख पा रहे होंगे आप, ये पार्किंग है, आप पार्किंग से ही गाड़ी ले भी क्योंकि आप लोग को ये लोग बहुत ठगते हैं पैसे। अभी थोड़ी देर में हम लोग घर पहुंच जाएंगे और ये ऊपर में फ्लाईओवर है तो हम फ्लाईओवर से नहीं जा रहे हैं, नीचे से ही जा रहे हैं क्योंकि टैक्सी वाले ने नीचे से ही ले लिया, और ये माँ फ्लाईओवर है और माँ फ्लाईओवर के बाद आता है साइंस सिटी, और साइंस सिटी के आसपास ही हमारा घर है, तो ये हम सिग्नल पे रुक चुके हैं,
अब सिग्नल पे थोड़ी देर वेट करने के बाद एकदम सामने ऊपर ही ऊपर में जो दिख रहा है फ्लाईओवर, ये माँ फ्लाईओवर है और बहुत ऊंचा फ्लाईओवर है ऊपर से, और अच्छा दिखता है व्यू। तो हम ऊपर से तो जा नहीं रहे हैं, पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम माँ फ्लाईओवर से ही क्रॉस कर रहे हैं हम और मेरे हस्बैंड, तो हमने उसमें दिखाया है कि ऊपर से व्यू कितना खूबसूरत दिखता है। और अभी ये देखिए, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है इसके बीच में वो जो आपको दिख रहा होगा, ये रहा दो बिल्डिंग के बीच में ये स्विमिंग पूल है। मुझे पता नहीं, मुझे लोग मतलब मुझे बहुत लोगों ने बताया कि ये स्विमिंग पूल है, जैसे मेरे घर वालों ने, फिर और भी बहुत लोगों ने बताया कि ये स्विमिंग पूल है। तो ये बिल्डिंग पूल कुल मेरे किचन से दिखता है, जब जो मैं खाना वाना बनाती हूँ तो मुझे ये किचन से हमेशा दिखता है। ये जो दिख रहा है ये साइंस सिटी है, साइंस सिटी के आसपास मैंने जैसे बताया जिसकी साइंस सिटी के पास ही हमारा घर है। तो अब हम थोड़ी देर में, बस 10 मिनट, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट में हम अपने घर पहुँच जाएंगे। और जो साइड में जो एक सिंगल बिल्डिंग, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। क्यों खुश हूँ तो आप देख सकते हैं, हम अपने घर अभी पहुँच चुके हैं, सपनों के घर है हमारा, ये मेरा ड्रीम हाउस है, जो अभी पूरा सामान बिखरा बिखरा दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे दिक्षु क्या कर रही है, साफ सफाई अभियान में मदद कर रही है। दिक्षु, व्यूअर्स तुम्हें देखना चाह रहे हैं, टाटा बाय बाय कर दो। दिक्षु अभी कुछ करने के मूड में नहीं है। ये मेरा मॉम का कमरा है और पूरा होम टूर कराएंगे बाद में। अच्छा, होम टूर कराएंगे, बस अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि छुट्टी से आने के बाद कितना साफ सफाई करना पड़ता है। गाइस देखिए, सारा सामान हमारा ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। और चलिए बाहर का भी दृश्य दिखाएंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अपना होम टूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो दिक्षु आप भी कुछ बोल दो व्यूअर्स को नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। हेलो गाइस, हम राजस्थान से कोलकाता पहुंच चुके हैं और अभी हमारा काम चल रहा है, आप तो देख ही रहे हैं, इसलिए हम अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और हमारे वीडियो को पूरा देखिए, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बाय, लव यू ऑल।